ये एक मान लीजिए पर्वत है और इस पर्वत का नाम बोल दीजिए शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत है कालका पहाड़ी, कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह नदी जो है, यहां से एक नदी निकल रही है, ये जा रही है, ठीक है। और ये इस प्रकार से आप देखते रहिए और ये यहां तक पहुंचा दीजिए। ये आप भी साथ साथ बनाइए और आप याद कीजिए इसको साथ साथ। ये इस प्रकार से, ये यहां तक, यहां पर इसको इस प्रकार से बना दीजिए। अब देखो इसमें मुख्य जो बातें हैं उनको याद करेंगे, आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए, कल को आपके काम आएंगे। बरेड़ी है नदी। देखो पंजाब, पंजाब, और फिर उसके बाद में बात करूं मैं यहां हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। थे ना कि होगी पंजाब तो इली साइड में, गुरुजी की आई वो कौन ज्ञान लगानो, ठीक है। हरियाणा में यहां पर अगर मैं बात करूं यहां, तो ये है ओटू झील। कौन सी झील है? ओटू झील, ओटू झील कहां पर है? हरियाणा में। और यहां एक सभ्यता का विकास कर देते हैं, ये एक सभ्यता है, मकान बना दू उठे आलियो गेट, ये है बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता। तो ओटू झील व बनवाली सभ्यता को जल देने के बाद यह इस स्थान से, यह हनुमानगढ़ का स्थान है, तो यह स्थान पढ़ेंगे अपने टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील, और गांव पढ़ेंगे तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव। अब कई जगह थे आप ही पढ़ो गुरु जी, तलवाड़ा झील। तो आपको कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं, नोट लगाकर उनको लिख लेना। आप यहां बता देता हूं, तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है। यहां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी जिसे तुरताई माता भी कहते हैं, तुरताई माता भी कहते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बाड़मेर में जहां पर मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का मेला। तो तलवाड़ा झील यहां है। अब ये टिब्बी गांव तहसील और ये जो जिला है, इस जिले का नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़। और इस जिले का नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, आरजे 13 और आरजे 31। अब यहां देखिए इसको कि प्रवेश करती है, और ये जो स्थान अपने इस स्थान को मान लेते हैं, ये भटनेर दुर्ग मान लीजिए। कौन सा दुर्ग हो गया? भटनेर। यानी पहले ये नदी वहां से निकली और कहां पर विलुप्त हो गई? भटनेर में। लेकिन यहां पर अगर बरसात ज्यादा हो जाए, यहां अगर बरसात ज्यादा हो जाए, वर्षा हो जाए, तो ये यहां से चलकर गंगानगर में आती है, और गंगानगर में स्थान पड़ता है सूरतगढ़, और एक स्थान पड़ता है यहां अनूपगढ़, अनूपगढ़। और अगर इसमें बाढ़ की दृष्टि से, अगर मतलब कि बाढ़ या कह दे अपने उफान पर हो, तो ये अनूपगढ़ का यहां से राजस्थान से एक स्थान जाएगा बिंजोर, बिंजोर। तो बिंजोर नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी और यहां पहुंच जाएगी फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास बहावलपुर में आता है, बहावलपुर में। अब देखो यहां इसका बहाव क्षेत्र जो है, यह जो बहाव क्षेत्र है, यह कहलाता है हकरा। श्री गंगानगर को पूर्ण रूप से पाकिस्तान का कौन सा जिला ढकता है? तो इसको जो ये बॉर्डर पर ये पूर्ण रूप से जो ढक रहा है, ये वाला, ये है बहावल नगर, बहावल नगर, ठीक है। अब यहां ये भटनेर दुर्ग आ गया, तो यहां एक सभ्यता पूछी जाती है, उस सभ्यता का नाम आप लिख लीजिए कालीबंगा, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। एक यहां पर लिख लीजिए रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता। एक तो कालीबंगा सभ्यता और एक आ गई रंग महल सभ्यता। अब इसके बारे में मुख्य रूप से जो बातें हैं, आप उनको नोट करते रहें कि
घग्गर नदी है जो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक या कालका पहाड़ी से निकलती है। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा में बनवाली सभ्यता, ओटू झील और हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, फिर यहां भटनेर में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में वर्षा होने पर सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए बिंजोर नामक स्थान से फोर्ट अब्बास पहुंचती है। फोर्ट अब्बास में इसका भाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई वो है 465 किलोमीटर। अब प्रश्न क्या आता है, उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। रंग महल सभ्यता जो है, यहां से गुरु शिष्य की मूर्तियां मिली है। क्या मिली है? गुरु शिष्य की मूर्तियां मिली है। एक्स्ट्रा बातें ध्यान रखना। इसकी खोज है जो डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में, हन्नारिड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने की थी। गांधार शैली की मूर्तियां भी यहीं से मिली है। कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष है और ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर, इन्होंने उत्खनन कार्य किया था 1952-53 में। अमलानंद घोष ने यहां पर खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा पीलीबंगा में है। पीलीबंगा का अर्थ पीले रंग की चूड़ियां है। कालीबंगा पीलीबंगा दोनों ही यहां पर अपने इस नदी के पाट पर कह सकते हैं। फिर बात करें भटनेर, भटनेर जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माता है वो भूपत सिंह भाटी था। इस दुर्ग का शिल्पी केकैया था। दुलीचंद भाटी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। यहां पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया और यहां पर सूरत सिंह ने आक्रमण किया जाप्ता भाटी के समय, और इसका नाम भटनेर से इस जिले का नाम पूरा कर दिया हनुमानगढ़। मंगलवार के दिन का वो आक्रमण था। ये एक्स्ट्रा बातें थी। अब देखो इसकी खास बात, हिमालय का पर्वत राजस्थान, हिमालय पर्वत से मतलब कि पानी लेकर आए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, सॉरी, हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत से जो वहां शिवालिक पर्वत से जो पानी लेकर आ रही है वो नदी एकमात्र ये हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे, पाकिस्तान में बह गई, तो इसको बोलते हैं, देखो, नट भी बोलते हैं, नाली भी बोलते हैं, सोत्र भी बोलते हैं, मृत नदी भी बोलते हैं, इसी को सरस्वती भी बोलते हैं, इसी को दृष्द्वती भी बोलते हैं, और इसी को राजस्थान का शोक भी बोला जाता है। राजस्थान का शोक भी बोला जाता है, ठीक है, राजस्थान का शोक। ये जो यहां की जो घटना है, यहां तक पानी पहुंचा था एक बार 2007 में। कवास, बाड़मेर का ऐसा स्थान जहां पर 2006 में एक ऐसी बाढ़ आई थी जब रोहिड़ा और निमाली जो नदियां हैं जैसलमेर बाड़मेर की, उनका सारा जल भी और वर्षा का जल भी एक साथ वहां पहुंच गया और उसके कारण वहां 2006 में बाढ़ आई थी, ठीक है। अब देखो इसका घग्गर बेसिन जो है, इसके बारे में मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपने बात करते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके यहां मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा बातें, ये एक बात होगी। फिर लिखो घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन चावल, कपास और गेहूं उत्पादन में राजस्थान में प्रथम। फिर यहां बात करें घग्गर का मैदान, स्थानीय भाषा में बग्गी या काठी भी कहलाता है। फिर बात करें हनुमानगढ़ जंक्शन, यहां लिख देता हूं हनुमानगढ़ जंक्शन, घग्गर के तल से नीचे बसा हुआ है, ठीक है। यहीं पर घग्गर के किनारे एक मंदिर भी बताते हैं हनुमानगढ़ में ही, भद्रकाली माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? भद्रकाली माता का मंदिर, भद्रकाली माता मंदिर। भद्रकाली माता मंदिर की खास बात है कि यहां पर बकरे की बलि दी जाती है और वो कहते हैं श्राब चढ़ाई जाती है। तो ये थी घग्गर नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। लिखते जाओ यहीं पर, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी, हिमाचल का पानी लेकर आने वाली नदी, हिमाचल का पानी लेकर आने वाली एकमात्र नदी। दूसरी बात करें उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी,
ठीक है, सूरतगढ़ में सोडल दुर्ग, अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं।